यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया। राज्य मंत्री ने फीता काटकर 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मंत्री के महोबा पहुंचते ही जनपद के आला अधिकारियों समेत बीजेपी के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वन विभाग की इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे कामों की जमकर बखान की। बता दें, 3 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी महोबा कर रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर सहित टूर ऑपरेटर और सैलानी महोबा पहुंचे, जिनके ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी बनाई गई। मंत्री अरुण कुमार ने अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी लगाई और उसकी खूब सराहना भी की। प्रदर्शनियों की सराहना करने के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार महोबा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के आम बजट की सराहना भी की। महोबा से चंद्रशेखर नामदेव की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ के जो गाइड हों वो वहीं आसपास के लोग हों, जो कैंटीन हो वहीं आसपास के लोग हों, आने जाने की सवारियाँ होंगी उसमें सब आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कहना है, टूरिज्म बढ़ाइए, डेवलपमेंट बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए। और ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी तालाब में नहीं होगा तो ज़मीन के नीचे का पानी कहाँ।